दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पौंटा साहिब। जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र के एक राजकीय उच्च विद्यालय में मंगलवार को एक अध्यापक द्वारा बच्चों को प्रताड़ित करने पर अभिभावकों ने अध्यापक के खिलाफ नारेबाजी की। कमल पवन मुर्दाबाद, 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 कमल पवन मुर्दाबाद, 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 तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमल पवन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन नोश में हो। अध्यापक कई वर्षों से बच्चों को प्रताड़ित करता रहता था। ये बच्चों को बिना गलती के मारपीट कर बच्चों के माँ बाप को गाली निकालता रहता था, मगर बच्चे घर में अध्यापक के डर से नहीं बताते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्चे स्कूल जाने के नाम पर हर रोज कुछ न कुछ बहाना बनाते। जब अभिभावकों ने अपने बच्चों से प्यार से पूछा तो बच्चों ने सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। इस मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी मौके पर पहुंची थी। उन्होंने लोगों की शिकायत उपनिदेशक कार्यालय भेज दी है। अभिभावक जो आपने ये कमल पवार के विरुद्ध नारेबाजी की, इसका क्या विषय रहा है? हम लोग सारे अभिभावक गण है ऊंचा टिक्कर प्राइमरी राजकीय प्राथमिक पाठशाला के, हमारे सब लोगों के बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ थी जो अभी अपने मीटिंग के बाद घर वापिस चली गई है, और सब लोग एक मत होके कमल मास्टर के विरुद्ध इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए थे कि ये बच्चों का शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है, बच्चों को डंडे से पीट रहा है, उनके अभिभावकों को गालियां बकता है, और इसके पिछले कोई 8-10 साल से सैकड़ों कारनामे ऐसे आगे, कई बच्चों के जख्म अभी तक मिटे नहीं हैं जिन बच्चों को इसने जख्म दिए हैं। गरम चाय का गिलास हाथ पे रख के बच्चे का हाथ इसने जला दिया, और कई इसने ऐसे कृत्य किए हैं जो किसी भी दृष्टि से एक अध्यापक के लिए उचित नहीं है। और हमने सरकार से अनुरोध किया है, विनम्र निवेदन किया है सब लोगों ने, प्रस्ताव चाइल्ड हेल्पलाइन वाले भी यहाँ पे आए थे हम लोग इंक्वायरी पे इस अध्यापक की, कमल पवार की, तो इसकी इंक्वायरी भी हुई है। हमने इंक्वायरी भी भेजी है, जो बयान सब लोगों ने दिए हैं अभिभावक गण ने कि ये इसके बहुत बुरे कृत्य है बच्चों के साथ, ये शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है, इनको डंडों से पीट रहा है, इनको अब्यूज़ कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने भेजी है इंक्वायरी के लिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस अध्यापक का जल्द से जल्द उचित और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक मैसेज पूरे क्षेत्र में जाए। हम आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी निवेदन किया है, हमने लिखित रूप में भी दिया है कि इस अध्यापक से जल्दी हमारा पीछा छुड़ाया जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नोहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम, नर्सिंग, बीफार्मा, डीफार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग और फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश और पड़ोसी राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पौंटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।